प्रभास का नेक्स्ट प्रोजेक्ट यानी कि सलार मूवी के बाद का नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के जो कि 2024 में आने वाला है, उस मूवी की टाइमलाइन फ्यूचर में बिलोंग करती है। एंड उस मूवी की स्टोरी की डिमांड थी फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स की, मतलब मूवी के अंदर फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स को यूज करना था। अब क्रिएटर्स चाहते तो CGI का यूज करके वो व्हीकल्स डिजाइन कर सकते थे, लेकिन हम सबको पता है कि भाई इंडिया के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है, एंड इवेंचुअली मूवी के अंदर वो सीन कॉम्प्रोमाइज हो जाता। इसलिए मूवी के क्रिएटर्स ने CGI को ना यूज करके महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनी से हेल्प मांगी, एंड महिंद्रा के हेड आनंद महिंद्रा ने उन्हें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात भी की। एंड ऐसे ही ना जाने कितने सारे एफर्ट्स दिए गए इस मूवी को बनाने के लिए, जिसकी वजह से इसका बजट 500 करोड़ से भी ऊपर जा रहा है। और आज अपन इसी मूवी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, क्या कुछ हमें अभी तक पता है इस मूवी के बारे में और इस मूवी की स्टोरी किस डायरेक्शन में जाएगी। एंड यकीन मानो, जितना मैंने इस मूवी के बारे में रिसर्च किया है, ये मूवी एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, क्योंकि इसके पीछे एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है अविनाश और तुम अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो इंडियन सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा से रिलेटेड, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। प्रोजेक्ट ये एक्चुअली में एक वर्किंग टाइटल है अपकमिंग इंडिया की साइंस फिक्शन मूवी, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं नाग अश्विन। हाँ, प्रोजेक्ट के एक्चुअल नाम नहीं है मूवी का, मूवी का एक्चुअल नाम अभी भी रिलीज होना बाकी है, प्रोजेक्ट के सिर्फ एक वर्किंग टाइटल है। एंड इस मूवी के डायरेक्टर यानी कि नाग अश्विन, उन्होंने गिनी चुनी मूवी ही डायरेक्ट की है अपने पूरे करियर के अंदर। तो ये देख के भाई खुशी हो रही है कि भाई इन लोगों ने नए डायरेक्टर को चांस दिया, एंड होपफुली उस नए डायरेक्टर की क्रिएटिव चॉइस हमें पूरी मूवी के अंदर देखने को मिले। इसके अलावा इस मूवी का प्रोड्यूसर है विजयंती मूवी, जिनके 50 ईयर की एनिवर्सरी पे इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, यानी कि प्रोजेक्ट के को। अब प्रभास जैसे सुपरस्टार के अलावा इस मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण जिनकी ये तेलुगु डेब्यू होने वाली है इस मूवी के साथ, और उसके अलावा दिशा पटानी भी इस मूवी के कास्ट में इंक्लूडेड है। और एक्चुअली रूमर्स कुछ ऐसे आ रहे हैं जो मेजर कास्ट है, उसके अलावा दिलकीर सलमान भी हमें कैमियो के रूप में देख सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। एंड बहुत से लोग ये थ्योरी लगा रहे थे कि जो प्रोजेक्ट के का एक टीजर पोस्टर आया था, मतलब जहां पे उन्होंने डेट बताई थी, उसके अंदर भी हमें दिलकीर सलमान का कैरेक्टर यहां पे साइड में देखने को मिल जाता है। अब क्या होगा क्या नहीं, वो तो मूवी के अंदर पता चलेगा। अब ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि भाई इस मूवी का जो बजट है वो 500 करोड़ को भी एग्जीट कर रहा है, यानी कि 63 US मिलियन डॉलर्स। इसी के आसपास डेडपूल मूवी को भी बनाया गया था, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इस मूवी का बजट कितना है। एक नॉर्मल हॉलीवुड मूवी लेवल का बजट है इस मूवी का प्रोजेक्ट के का। अब इस मूवी की सबसे बड़ी बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि भाई इन लोगों ने जो सिनेमेटोग्राफर है इस मूवी का ना, वो बाहर से उठाया है, और इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर है डैनी सेंसेज लोपेज। अब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो जाता है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब इसके अलावा इस मूवी के म्यूजिक कंपोजर के लिए पहले AR रहमान को अप्रोच किया गया था, बट उन्होंने मना कर दिया, तो अब संतोष नारायण इस मूवी का म्यूजिक कंपोज करने वाले हैं। और प्रभास फैंस को ये बहुत डाउट रहा होगा कि ये मूवी कहीं बॉलीवुड मूवी तो नहीं है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स अगर मूवी के अंदर है तो। एक्चुअली में ये मूवी एक तेलुगु मूवी है, एंड भाई प्रभास के फैंस चाहते भी थे कि प्रभास अब अपनी रीजनल मूवीज करे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर आने के बाद भाई उनकी पिक्चरें पिट रही थी, साहू और उसके बाद राधेश्याम दोनों ही फ्लॉप चली गई, और आदि पुरुष का क्या हाल हुआ है उसका टीजर देख के आपको पता चली गया होगा। अब एक्चुअली में इस मूवी की स्क्रिप्ट 2018-19 के अंदर कंप्लीट हो गई थी, शूटिंग भी स्टार्ट होनी थी, बट कोविड की वजह से इसकी शूटिंग डिले होती गई, और इवेंचुअली अभी इसकी शूटिंग चल ही रही है। मूवी की स्टोरी की बात करें तो भाई लीक्स और रूमर्स ये बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट के एक्चुअली में लॉर्ड विष्णु के एक अवतार के ऊपर बेस्ड है, यानी कि मॉडर्न डे के अंदर लॉर्ड विष्णु के अवतार के एडवेंचर के ऊपर बेस्ड है। अब ये ऑफिशियल कहीं से भी स्टेटमेंट नहीं आया, सिर्फ रूमर है, अभी कितना सच हुआ कितना नहीं है तो मूवी के रिलीज होने के बाद पता चलेगा। इसके अलावा इस मूवी से रिलेटेड एक और लीक आई थी कि भाई दीपिका पादुकोण और प्रभास का एक कार चेस सीक्वेंस भी मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेगा, जो कि हैदराबाद के अंदर शूट किया गया था। अब एक्चुअली में इस मूवी को शेड्यूल किया गया है 12 जनवरी 2024 में रिलीज करने के लिए, जो कि ऑफिशियली अनाउंस किया गया है प्रभास और उनके कास्ट मेंबर्स द्वारा। लेकिन सिंस अभी इसी साल प्रभास की दो और मूवीज आनी बाकी है, यानी कि अपनी आदि पुरुष और उसके बाद सालार, तो मोस्ट प्रोबेबली मूवी थोड़ी बहुत डिले हो सकती है। बाकी तुम कितने एक्साइटेड हो इसी प्रभास की अपकमिंग मूवी प्रोजेक्ट के लिए? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये लोग भाई साईफाई मूवी बना रहे हैं, यानी कि सुपर हीरो टाइप की मूवी, और ऊपर से इसमें माइथोलॉजी यानी कि लॉर्ड विष्णु के कैरेक्टर को भी ऐड करने वाले हैं। बाकी तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अविनाश और मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।